जी वालेकुम अच्छा आज हमने जो डिस्कशन स्टार्ट करनी है वो रिगार्डिंग आईपी कंप्लेंट्स हैं लाइक सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन और रिसीव्ड आईपी कंप्लेन इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों में किस तरह से वर्किंग की जाती है ये सारी चीज़ें मैं आ, आज आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगी ये माइनर वायलेशन होती हैं और मेजर वायलेशन में ऑथेंटिसिटी सिर्फ इस पोर्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छा कुछ अकाउंट्स में इस तरह से होते हैं कि सस्पेक्टेड जो आईपी कंप्लेन होती है आईपी वायलेशन होती है इसका मतलब क्या है सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ देखें अगर हम अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं और लिस्टिंग को हमने सिर्फ मीटू किया हुआ और हम सेल आउट कर रहे हैं और वो लिस्टिंग अगर ब्रांड की तरफ से क्रिएटेड नहीं है तो आ, उसमें ये होता है कि ब्रांड पूरी लिस्टिंग को आ, रिपोर्ट करता है अमेजोन को कि ये लिस्टिंग मेरी तरफ से क्रिएटेड ही नहीं है ठीक है आपने देखा होगा बहुत सारी लिस्टिंग ऐसी होती हैं जो कि डुप्लीकेट हुई होती हैं तो जैसे अगर मैं आपको एमेजोन डॉट कॉम ओपन करके दिखाऊं तो बहुत सारी आइटम्स इस तरह की होंगी जिसकी डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट हुई होगी जैसे ज्यादातर जो आती हैं वो हेल्थ हाउस होल्ड में आती हैं इसको देख लेते हैं इसमें काफी सारी लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो डुप्लीकेट होती हैं अब जब ब्रांड कंप्लेन करते हैं पूरी लिस्टिंग के ऊपर तो अमेजोन असल में जिस बंदे ने वो लिस्टिंग क्रिएट की होती है वो आ, आ, मतलब जिम्मेदार तो सिर्फ वो है बाकी सब तो मीटू कर रहे हैं लेकिन अमेजोन उस टाइम पे ये आइडेंटिफाई नहीं करता कि भाई किसने ये लिस्टिंग क्रिएट की कैसे क्रिएट की अमेजोन का जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि पूरी लिस्टिंग ही डुप्लीकेट है जिसकी वजह से सबको सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन आ जाती है अब जैसे ये वाली दो आइटम्स आपको नजर आ रही हैं ये दोनों आइटम्स जो हैं वो फिलहाल ये आ, मतलब डुप्लीकेट तो नहीं है लेकिन आ, इस तरह की लिस्टिंग्स जो हैं वो होती हैं उसमें रिव्यू और रेटिंग में दोनों में फर्क होता है जैसे यहाँ पर तो दोनों में सेम आ रही है ना लेकिन उसमें रिव्यू और रेटिंग में फर्क होता है ठीक है वो अलग अलग तरह की होती है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सेम ही होती है और दोनों की डिस्क्रिप्शन में फर्क होता है तो जो भी आ, फेक या फिर जिसने डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट की होती है वो यूली क्या करता है कि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन वगैरह उसमें एंटर करता है तो ओवरऑल जब लिस्टिंग रिपोर्ट होती है तो सस्पेक्टेड आईपी पी या आईपी पी आती है तो इस वॉयलेशन को रिमूव करवाना कंपलसरी नहीं होता विद इन वन एटी डेज ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है क्योंकि इसको हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हम ब्रांड ऑनर है ना हम ऑथराइज सेलर है ठीक है तो इस वजह से हम आईपी वॉयलेशन अगर सस्पेक्टेड आ जाए तो फिर हम इसको रिमूव नहीं करा सकते हाँ अगर आपने आप होल कर रहे हो या आप जो है वो प्रोडक्ट किसी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो या फिर आ, सप्लायर से सप्लायर आपका ऐसा है होल सेलर है जो कि आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी दे देगा और अगर आपके पास प्रोडक्ट की इन भी वेरीफाइबल सप्लायर की मौजूद है तो उस केस में आप ये सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन रिमूव करा सकते हो उसके लिए जस्ट एमेजोन आपसे कहेगा कि आप इन सबमिट करवाएं और अगर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ब्रांड का है तो वो सबमिट करवा दें तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपका वेरीफाइबल है और क्योंकि लिस्टिंग आपको नहीं पता था आपने जस्ट मीटू की हुई थी और आप मतलब उसके ऑथराइज्ड हैं सेलर तो फिर आप अपनी ये वॉयेशन रिमूव करवा सकते हैं तो आप फिर इनवॉइस या जो भी ऑथराइजेशन लेटर जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो आप एमेजोन को प्रोवाइड करेंगे तो ये वॉयलेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी ठीक है विद इन अ डे भी रिमूव हो जाती है अगर आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मौजूद है अच्छा दूसरी चीज होती है रिसीव्ड आईपी पी कंप्लेन अब जो रिसीव्ड आईपी पी कंप्लेन होती है ना वो स्पेसिफिकली ब्रांड खुद से एक खास सेलर को रिपोर्ट करता है यानी कि अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहूँ कि ये वाली प्रोडक्ट है ठीक है ये प्रोडक्ट है लेट से इसको मैंने ओपन किया अब इसमें फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी सेलर अगर कोई प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं ट्वेंटी में से uh, जो ब्रांड है वो देखता है कि ये वाले एक या दो सेलर ऐसे हैं जो कि uh, मेरे से पूछे बगैर सेल आउट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा के जो ब्रांड है वो सिर्फ उन दो सैलर्स को रिपोर्ट करेगा तो उन दो सेलर्स के ऊपर जो है आईपी वायलेशन आएगी फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल uh, के तौर पे सिर्फ आपको कोट करना चाहूंगी फॉर एग्जांपल ये सैलर है जो कि ब्रांड की परमिशन के बगैर सेल कर रहा है और एक ये सैलर है जो ब्रांड की परमिशन के बगैर लेट से ठीक है तो ब्रांड इन दोनों को अगर रिपोर्ट करता है तो जब इन दोनों को रिपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि सिर्फ इन दो सेलर्स के सेलर यहाँ पर रिसीव्ड पर आईपी कंप्लेन आएगी अब वो जो रिसीव्ड कंप्लेन होगी उस अच्छा अब जब ब्रांड जो है वो कंप्लेन करेगा ना तो कंप्लेन में वो काफी सारी चीजें सिलेक्ट कर सकता है फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्रोडक्ट है ठीक है अब इस प्रोडक्ट की कंप्लेन काफी सारी टाइप्स की हो सकती हैं, जिसमें ट्रेडमार्क हो सकता है कॉपीराइट हो सकता है इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो काउंटरफेट हो सकता है और काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय हो सकता है ठीक है तो पेटेंट हो सकता है इसके अलावा ठीक है ये चार तरह की वॉयलेशन इसमें हो सकती हैं वो आप जब इस वॉयलेशन को यहाँ से ओपन करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट पे वॉयेशन आई होगी वो वॉयेशन टाइप जो है वो आपको यहाँ पर देखे सॉरी रिसीव टाइप कंप्लेन में जब आप क्लिक करेंगे तो जिस प्रोडक्ट पे कंप्लेन आई होगी उसकी रीजन यहाँ पर लिखी हुई होगी यहाँ पर मेंशन होगी ठीक है रीजन में लिखा होगा ट्रेडमार्क पेटेंट कॉपीराइट या फिर काउंटर फेट विदाउट ये चारों में से कोई एक रीजन लिखी होगी इसके बाद यहाँ पर डेट लिखी होगी वॉज इम्पेक्टेड यहाँ पर ए एस आई एन और टाइटल होगा एक्शन टेकन एक्शन टेकन में जो है वो लिस्टिंग रिमूव या इस तरह से लिखा हुआ होगा उसके बाद अकाउंट हेल्थ रेटिंग इम्पैक्ट इसमें हाई रिस्क या लो रिस्क या फिर नो no इम्पैक्ट इस तरह करके लिखा होगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि सबमिट अपील या फिर इस तरह से कोई बटन होगा ठीक है जिसमें आपको अपील वगैरह सबमिट करवानी होगी ठीक है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर गिवन uh, होगी जो कि पॉलिसी वायलेशन से रिगार्डिंग होगी अच्छा अब इसमें आप बताती चलूँ कि इन सब में डिफरेंस क्या है मैं एक लिंक ओपन कर लूँ फिर मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करती हूँ आपके साथ जी अब ये देखें ये आईपी फॉर राइट ऑनर जो है उसकी टाइप्स हैं जिसमें ट्रेडमार्क आ जाता है उसके अलावा कॉपीराइट आ जाता है फिर आपको मैंने बताया पेटेंट आ सकता है इसके अलावा पैरेलल इम्पोर्ट और राइट ऑफ पब्लिसिटी ये दोनों जो है वो आ, मतलब बहुत रेयर होते हैं और एक काउंटर फेड का आ जाता है ठीक है तो ये रिपोर्टिंग का ऑप्शन ये वो सारा कुछ गिवन है अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं देखो Uh, uh, जिस भी पर्सन के पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है वो राइट ऑनर होता है और ऑब्वियसली उसकी एमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री भी हुई होती है जो मेन ब्रांड्स होते हैं वो कंप्लेन बेसिकली लॉन्च करते हैं सो so, uh, जो मेन टाइप है आईपी पी किस में ट्रेडमार्क है ट्रेडमार्क किसी भी uh, मतलब ब्रांड का वर्ड या सेम्बल या डिजाइन होता है जो कि कोई भी कंपनी अपनी सर्विसेज या गुड्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करती है और ट्रेडमार्क अगर आपने चेक करना हो किसी भी यूएस बेस्ड प्रोडक्ट का तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है यूएस पीटीओ, यूएस पीटीओ ठीक है इसको हम सर्च करेंगे तो यहाँ से हम आ, किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं सो आ, इसका मैं आपको तो दिखा देती हूँ देखें ये यूएस पी इसकी ये वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर सब रजिस्टर्ड होते हैं ट्रेडमार्क भी पेटेंट्स भी तो हम ट्रेडमार्क अगर सर्च करना चाहते हैं तो सर्चिंग ट्रेडमार्क पर हम क्लिक करेंगे सर्च ट्रेडमार्क हाउ टू यूज अच्छा डिवेलप सर्च स्ट्रेटेजी हम सर्च करेंगे ट्रेडमार्क को ठीक है अच्छा इसमें से हम सर्च आवर ट्रेडमार्क डेटाबेस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमें एमेजोन ने कहा है कि आपने किसी का ट्रेडमार्क यूज किया है कि देखें यूएस पी की वेबसाइट है यहाँ पर तो इसके थ्रू ही हमें सारी चीजें चेक करनी होती है अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है कि एक प्रोडक्ट है जिसमें पिन जोन जो है एक वर्ड है जो कि उन्होंने पेटेंट करवाया हुआ हम ये अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते इवन अगर ये लिस्टिंग किसी ने क्रिएट की है तो उसको भी हम इस्तेमाल नहीं, नहीं कर सकते ठीक है तो हम यहाँ पर उस टर्म को यहाँ पर लिख कर और इसे सबमिट क्यूरी करेंगे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखें ये ट्रेडमार्क जो है वो लाइव है पिन जोन का ठीक है और ये काफी सारे इनकी काफी सारी कैटेगरीज में इन्होंने पिन जोन को जो है वो किया हुआ बेला पिन जोन पिन जोन तो मतलब ये अगर आपकी लिस्टिंग में इस्तेमाल हो रहा है तो ये ट्रेडमार्क आप किसी का यूज कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर देखिए ट्रेडमार्क की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है ये उसका सीरियल नंबर आ रही है, उसकी फाइलिंग आ रही है ये एप्लीकेंट आ रहा है ये अटोर्नी आ रहा है ये ट्रेडमार्क आ रहा है प्रिंसिपल ये लाइव ठीक है अभी मैं आपको एक केस दिखाऊंगी जिसमें ट्रेडमार्क उन्होंने किसी का मिसयूज किया था और लिस्टिंग को मीटू किया था आईपी कम्प्लेन आई थी उस पर तो वो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी उन्होंने दो तरह की कम्पलेन लॉन्च की थी आईपी कंप्लेन भी लॉन्च की थी के ये सेल कर रहे हैं ये भी उन्होंने साथ में जो है वो किया एस आई एन लेवल पर भी होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट या पैकेजिंग पर एमेजोन जो है आप अपनी प्रोडक्ट पर किसी का ट्रेडमार्क यूज कर लें तो वो ऑब्वियसली मतलब जुर्म होगा इसके अलावा सेलर लेवल पर भी आता है कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसा ऑफर कर रहे हैं जो के, आ, किसी के ट्रेडमार्क को कर रहा है किसी आई पी राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो वो सेलर लेवल पर आ जाती है इसके अलावा प्रोडक्ट की डिटेल पेज में भी ट्रेडमार्क होता है कि अगर किसी ने अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की हुई है तो ऑब्वियसली क्या होगा उसमें कि Uh, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए कोई वर्ड इस तरह का इस्तेमाल कर लिया तो ये प्राइवेट लेबल के केसेस में होता है तो उसमें तो जस्ट ये होता है कि आप प्रोडक्ट के डिटेल पेज में से तो उस ट्रेडमार्क के वर्ड को रिमूव कर दो अगर पैकेजिंग या मटेरियल uh, पर या कहीं पर ट्रेडमार्क आपने यूज किया है तो उसको आप रिमूव कर दो जैसे अगर नाइकी का एक सेम्पल है का, वो उसका ट्रेडमार्क हुआ हुआ है ठीक है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अगर आप उस तरह की कोई भी प्रिंटिंग अपनी प्रोडक्ट पे करवाते हो तो आप उसका ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो तो वो कंप्लेन लॉन्च कर देगा ठीक है तो प्राइवेट लेबल के केस में वो आपको लोगो या जो भी साइन आपने उनका इस्तेमाल किया है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा प्लस उसके साथ अपनी प्रोडक्ट डिटेल पेज में से उसकी सारी डिटेल्स को रिमूव करना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा कॉपीराइट कॉपीराइट में ये होता है कि एग्जैक्ट कॉपी करना किसी प्रोडक्ट की यूजली बुक्स और इस तरह की चीजों में होता है आ, लेकिन इसका मतलब काफी कम आ, chances होते हैं यानी का ज़्यादातर ट्रेडमार्क और काउंटरफेट विदाउट ये तीन चीजें आती हैं ज्यादातर ये कॉपीराइट भी एक तो, मतलब कम वॉयेशन है जो कि आ रही होती है लेकिन आपको जैसे पता है कि कोई बुक अगर पब्लिश होती है उसका कॉपीराइट होता है रिजर्व होता है अगर हम उसकी पायरेटेड uh, बुक अगर उसकी बनाते हैं तो वो ऑब्वियसली हमने उसके कॉपीराइट को इनफ्ल किया है ठीक है तो यहाँ पर भी ये तीनों लेवल पे होता है कि लेवल तक भी होता है सेलर लेवल पे भी होता है इमेज या टेक्स्ट के लेवल पर भी होता है ठीक है इसके बाद फर्दर जो है वो हम पेटेंट uh, को देख लेते हैं पेटेंट जो है वो लीगल प्रोटेक्शन होती है किसी भी इन्वेंशन की जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नई प्रोडक्ट इन्वेंट होती है उसका हम पेटेंट कुछ सालों के लिए करवा लेते हैं जैसे कोई भी न्यू मशीन है या कोई आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर है कंपोजिशन ऑफ मैटर है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है जो किसी भी प्रोडक्ट का बनाया गया है तो उसे हम पेटेंट कहते हैं ठीक है तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि आपने कंप्लीट ऑनर लिए हुए फॉर टाइम ड्यूरेशन इसमें दो तरह के पेटेंट होते हैं डिजाइन पेटेंट भी होता है और यूटिलिटी पेटेंट भी होता है यूटिलिटी पेटेंट जो है वो ट्रेडमार्क से डिफरेंट होता है लेकिन इसमें एक वर्ड या लोगो ही होता है लेकिन उसका कॉपीराइट भी साथ में होता है जैसे अगर कोई भी बुक है नया मेथड कोई भी जैसे मैं एग्जांपल अक्सर देती हूँ स्टूडेंट्स को कि जब नई नई डेवो की सर्विस आई थी तो कई सालों तक सिर्फ डेवो ही थी उसके साथ की कोई सर्विस नहीं थी लेकिन उन्होंने क्योंकि पेटेंट कराया हुआ था उनका एग्रीमेंट था कि इतने सालों तक कोई और कंपेटिटर सेम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद आठ नौ दस साल गुजरने के बाद उसके कंपेटिटर बहुत सारी जो है वो आ, 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 मतलब बहुत सारे सर्विसेज ऑफर करने लगे जस्ट लाइक फैसल मूवर्स ये वो इस तरह की जितनी भी हैं वो सारी आना स्टार्ट हो गई तो वो बेसिकली पेटेंट होता है जो आप एक खास डिंग के लिए एक सर्विस को हायर कर लेते हो उसके बाद जो डिज़ाइन होता है वो उसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह से दूंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऐसी इन्वेंशन uh, है किसी मशीनरी की कि उसका कोई एक खास नया फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है मार्केट में तो uh, वो डिज़ाइन में आ जाता है तो उस तरह का डिज़ाइन जो है वो मार्केट में कोई और लॉन्च नहीं कर सकता तो जैसे अगर गाड़ियों की शेप की बात की जाए तो उसमें मतलब ऑटोमोबाइल्स में हर कंपनी का एक खास शेप होती है अगर कोई उसकी शेप को कॉपी करता है तो ऑब्वियसली मतलब उसके ऊपर डिजाइन का अगर उन्होंने पेटेंट कराया तो वो उसको उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को रोक सकते हैं बैन करवा सकते हैं ठीक है ये तीन चीजें होगी और बाकी वो काउंटरफेट वही आ जाती है कि प्रोडक्ट आप इनऑथेंटिक बेच रहे हो हमारे से हमारी आईपी राइट्स को भी आप इनफ्रिंज कर रहे हो प्लस उसके साथ प्रोडक्ट भी आपकी काउंटर फेट है तो ये ब्रांड ही बेसिकली इस तरह का प्रॉब्लम करता है तो पेटेंट को भी इसी वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं ये देखिए मैं बैक जाती हूँ इसमें और आपको मैं पेटेंट जो है वो दिखा देती हूँ तो पेटेंट को भी यहीं से हमने सर्च करना है और यहीं से देखना है ठीक है तो उसको मैं दिखा देती हूँ आपको अच्छा अब यहां पर पेटेंट पर क्लिक करेंगे हम अच्छा इसमें आप जो है वो सर्च पेटेंट पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी पेटेंट जो है वो पब्लिक सर्च उसकी कर ले और पेटेंट जो है वो आपने सर्च करना है एक पेटेंट पब्लिक सर्च बैग चले जाते हैं जरा मुझे लगता है कि ऑप्शन गलत सेलेक्ट हुआ है सर्च पेटेंट यहाँ पर आप पेटेंट को भी इसी तरह से सर्च कर लेंगे ठीक है इसी वेबसाइट को आप डिटेल में देख लेना इसी में जो है ना वो पेटेंट को सर्च करने के एक ऑप्शन आ रहा होगा वो आप यहां से सर्च कर लीजिएगा ठीक है तो इस तरह से आप पेटेंट को सर्च कर सकते हैं ठीक है अब ये जो सारे सीनरियोज हैं इसमें अगर तो काउंटर फेट वाला आता है ना आपके पास तो अगर आपके पास ऑथेंटिक सप्लायर है जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदी हुई है तो आपको उसकी इनवाइस ही काफी होगी उस वायलेशन को रिमूव करने के लिए लेकिन जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट या फिर ये जो पेटेंट का आता है इशू ये ज्यादातर प्राइवेट लेबल के केसेस में आता है इसमें जस्ट आपको लिस्टिंग को अपडेट करने की जरूरत होती है और जो पेटेंट या ट्रेडमार्क आपने इस्तेमाल किया होता है किसी का उस जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल किया है वो आपको रिमूव करने की जरूरत होती है फिर जाकर ये वॉयलेशन अकाउंट से रिमूव हो जाती है अब आप एक मिनट वेट कीजिएगा मैं एक और अकाउंट लॉग इन कर लूँ और इसी तरह का एक इशू था जिसमें आईपी कंप्लेन विद काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय जो वॉयलेशन है वो उस अकाउंट पर आई थी तो वो मैं आपको केस दिखा देती हूँ कि किस तरह से कम्प्लेन की थी उस पेटेंट ट्रेडमार्क के खिलाफ और फिर किस तरह से उसकी सारी चीजें जो है वो डिस्कस जी ये मैं अकाउंट आपको शो कर रही हूँ इस अकाउंट में भी इसी तरह से था कि आईपी कम्पलेन ही थी और काउंटरफिट विदाउट टेस्ट बाय था और ये बेसिकली ऑथेंटिसिटी की तरह का केस होता है लेकिन इसमें ये होता है कि अटॉर्नीज भी इन्वॉल्व होती हैं सो so, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक मिनट जगह मुझे लगता है दूसरा अकाउंट ओपन हो गया जी ये अकाउंट है अच्छा इसमें ये था कि ट्रेडमार्क किसी का इस्तेमाल हुआ था और जो एटोर्नी है अटोर्नी का मतलब लॉयर होता है उस ट्रेडमार्क को डिफेंड करने के लिए लीगल सर्विसेज उन लोगों ने हायर की होती हैं जो कि हमें यहाँ पर आ, आ, शो करवाती हूँ मैं आपको जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आपको दिखाती चलूं जी यहाँ पर देखें ये अमेजोन ने इन्हें कहा कि आपने ऑथेंटिसिटी की कम्प्लेन भी आई है लेकिन अ इसके साथ साथ एमेजोन ने फर्दर जो है जो इंफॉर्मेशन दी वो ये दी थी जी यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि कस्टमर को जो है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस जो है वो इस प्रोडक्ट में करना पड़ा है क्योंकि ब्रांड ने कम्प्लेन की थी ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे चला ब्रांड ने कम्प्लेन किया ये मैं जरा पर ओपन कर दूं। और ताकि आप इसको क्लियरली सारे नोटिफिकेशंस को देख सकें तो इसमें ये होता है कि आपको ईमेल के थ्रू जो है वो कांटेक्ट करना पड़ता है अब ये देखें वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट वी रिमूव योर लिस्टिंग एंड योर डिसबर्समेंट वी टूक दिस एक्शन क्योंकि आप किसी की किसी भी दूसरी पार्टी के कॉपीराइट ट्रेडमार्क डिजाइन राइट, राइट डेटाबेस या फिर कोई भी प्रॉपर्टी को जो है वो इनफ्रिंज कर रहे हो जो कि प्रोहिबिटेड है और ये राइट ऑनर ने डायरेक्टली जो है वो कंप्लेन की है अगर आप इस इश्यू को रिजोल्व करना चाहते हैं इस डिस्प्यूट को तो ये इंफॉर्मेशन दी है वो कह रहे हैं आप इनसे रहा करें अब हमारा कोई नहीं है जब आप दोनों पार्टीज का आपस में रिजोल्व हो जाएगा तो उन्हें कहिएगा दूसरी पार्टी को जिन्होंने कम्प्लेन की थी कि वो कम्प्लेन विदड्रॉ कर लें जब वो विद्रॉ कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको आ, ये लिस्टिंग है, ये लिस्टिंग है 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 ठीक ये और जब वो रिट्रैक्ट कर लेंगे अपनी कम्प्लेन तो आपका अकाउंट जो है वो रिएक्टिवेट हो जाएगा ठीक है तो फेलियर टू कंप्लाई आर पॉलिसी रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ योर एमेजन सेलिंग प्रिविलेजेस ये चीज आई ठीक है उसके बाद एमेजन ने जो है वो यहाँ पर इस तरह से ये सारी, सारी जो है वो रिजेक्ट हो गई यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर देखें स्टिल रिव्यूइंग आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर देखे की अमेजोन ने कहा कि भाई कोई आपकी सबमिशन जो है वो नहीं होगी एक्सेप्ट अब इस तरह के केसेस में जब एमेजोन हमें कोई स्पेसिफाइड लिंक प्रोवाइड कर देता है कि आपको यहाँ पर रब्ता करना है इनके साथ ही सेटलमेंट करनी है तो फिर इस ईमेल पर हम हमने अपनी रजिस्टर्ड जो हमारी बिजनेस ईमेल है जिस पर अकाउंट रजिस्टर था उस ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना शुरू किया तो फिर इन्होंने हमसे कुछ डिटेल्स मांगी ठीक है इसके लिए लीगल सर्विसेज आपको हायर करनी पड़ती है लाइक अटोर्नी की सर्विसेज हायर करनी पड़ती है तो उसमें अटोर्नी अटोर्नी के साथ बात कर सकते हैं हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते तो अटोर्नी जो है वो अः उसका अपॉइंटमेंट एक लेटर होता है पहले वो हमें ने सबमिट कराना पड़ता है कि हमने एक लॉयर जो है या अटॉर्नी जो है उसको हायर कर लिया है उसके बाद फिर हमें अः मतलब अपने केस को फाइल करना पड़ता है लेकिन आ, ये होता है कि अटोर्नी हमें चीजें सेंड करते, है, हम करते हैं हम अपने मेल के थ्रू आगे इनको सेंड करते हैं तो इस तरह से सारा केस हो रहा होता है तो उसमें उन्होंने हमसे प्रूफ ऑफ परचेज मांगा आपने कहा से खरीदा कितने में खरीदा कितने में बेचा कितनी यूनिट सेल किए सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की उसके बाद एट द एंड इन्होंने हमारे पर फाइन किया वो फाइन हमने पे किया और पे करके अब हमने जो है वो रसीद जो है वो इन्हें सबमिट करवाई है इस अटोर्नी को अब ये क्या करेंगे वो रसीद रसीव इन्हें हो गई है तो अब ये लोग एमेजोन को ईमेल करके अपनी कम्प्लेन वापस लेंगे जब वो कम्प्लेन वापस लेंगे तो अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा सो so, ये इस तरह के केसेस भी आ जाते हैं जिसमें इतना ज्यादा जो है वो आपको uh, होना पड़ता है देखें एक तकरीबन अटोर्नी जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो फिर कम से कम आठ नौ दस महीने लग सकते हैं अकाउंट की रीस्टेटमेंट पर क्योंकि अटोर्नीस का आपस में जो कनेक्शन ये कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है तो ये चीज है जिसमें इस तरीके के केसेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं अब ये है कि कुछ अपील्स हैं वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करती हूँ आप वेट कीजिएगा फिर इसके बाद इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप पूछ